शिखर टेम्पल आप अगर घूमना है तो भाई बारिश के समय में आ जाओ। ये जो कुंड है वो ये पानी ना बढ़ता है ना कमता है। भैया जी प्रणाम है सभी को, नमस्कार। तो ये चेक करें आप, प्रकाश भैया समझ रहे हो, अब असम आए हैं तो प्रकाश से ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता, समझ रहे हो आप। और एक और चीज़, कामाख्या टेम्पल आप अगर घूमना है तो भाई बारिश के समय में आ जाओ, ठीक है। और वैसे तो हर वेदर में आना ही चाहिए, बट ये देखो पूरा, मैं दिखाता हूँ, पूरा कुहासा लगा सुबह सुबह, साढ़े पाँच बज रहे सुबह के, और इतना तगड़ा मौसम हो रखा है ना। और असम वैसे भी पूरा जंगली है तो ग्रीनरी इधर आपको देखने को मिलेगा, पूरा ठंडा ठंडा, ठीक है। और अभी सुबह सुबह हम लोग आए कामाख्या टेम्पल घूमने, क्योंकि भाई असम आए हैं और कामाख्या टेम्पल ना घूमें तो भैया आपका असम आना वेस्ट, ठीक है। तो चलते हैं फिर कामाख्या माता का दर्शन करते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग एकदम टॉप पर हैं, ये चेक करो, वो आप लोगों को थोड़ा स्लोमो शॉट होगा ना वो दिखाते। चलो फिर स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को यहीं से। तो हाय गाइस, मैं हूं अमन, स्वागत है आप सभी का राज ब्लॉग्स में। अभी नींद में है मेरा भाई, चलते हैं। भैया जी वो तो थी थोड़ा मंदिर की बातें, अब थोड़ा यहाँ की हिस्ट्री बताते हैं, और वो बताएंगे हमारे थोड़ा प्रकाश भैया। और उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये जो मंदिर है, ये मंदिर के जस्ट अपोजिट साइड में ये नदी कुंड बोल सकते हैं इसको, कुंड। तो उसके बारे में थोड़ा हिस्ट्री है तो वो जानते हैं प्रकाश भैया के। ये जो कुंड है वो ये पानी ना बढ़ता है ना कमता है, और ये कुंड कभी खाली भी नहीं होगा, कभी सूखेगा भी नहीं, ये ऐसे के ऐसा ही रहेगा, ये हमेशा हमेशा ऐसा रहेगा। ये तुमको जब भी आना देखना, इस पत्थर के ऊपर पानी कभी जाएगा ही नहीं। अच्छा, आई मीन इस पत्थर के ऊपर कभी पानी आएगा ही नहीं। अच्छा, पत्थर के ऊपर भी कभी पानी नहीं आएगा। अच्छा, मंदिर जाने से पहले ऐसा माना जाता है कि आप यहाँ मतलब पैर धो करके और पानी जो चढ़ाना है वो चढ़ा करके अगर अंदर जाते हैं तो आपकी इच्छा पूरी होती है। सही बात है। और हम लोगों ने सोचा था कि दर्शन भी करेंगे, बट लाइन इतनी लंबी है, लाइन इतनी लंबी है कि एक शाम के एक दो बज जाएंगे और सुबह के 5 ही बज रहे हैं, तो दर्शन तो नहीं हो पाएगा, बस बाहर बाहर का ही वो कर लेते हैं, और उसके बाद अगर टाइम मिले तो देखेंगे अंदर जाने का भी, ठीक है। फिर चलते हैं आगे और दिखाते हैं आप लोगों को कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस भी। चलो
जी कुछ और एक हिस्ट्री बताते हैं आप लोगों को, ये चेक करें पहले आप। अब चेक कर लिए, अब बताते हैं, बताओ क्या था। त्रिशूल के नीचे जो मटका है ना, हाँ, वो मटके से लेके ऊपर तक जितना भी है, हाँ, वो पूरा सोना का है। हाँ, नीचे का वाल से ये किए हैं, हाँ, लेकिन ऊपर का जो भी मटका है, ऊपर का जो तीन मटका है देख रहे हैं, ऊपर से त्रिशूल है, हाँ, वो पूरा सोने का है। तीन ये मतलब जितना भी, हाँ, है मटका, देखो जूम करके भी दिखा सकते हो एकदम, वो पूरा सोने का है। अच्छा, त्रिशूल से लेके वो मटका था किसी में, बस वो पूरा सोने का है। और यहाँ पे जितना भी ऐसा ऐसा जो भी है बड़ा बड़ा, वो सब सोने का ही है। अच्छा, ये एग्जैक्टली ये जो है, हाँ एग्जैक्टली ये जो है ना नीचे में जो मटका बना हुआ है, हाँ, कलश टाइप जिसको आप बोल सकते हो, हाँ, वो पूरा सोने का है। और नीचे में जो है वो सब भी पूरा सोने का है। अच्छा, ये जितना भी छोटा छोटा स्तंभ सब है, ये थोड़े से सब डिजाइन किया गया है। अच्छा, काट काट के पत्थरों को बनाया गया, मतलब एग्जैक्टली पत्थर जो था उसको काट काट के बनाया गया। और कोई मशीन वशीन नहीं, डायरेक्ट वो सब छेनी हथौड़ा का कमाल है, वो पुराने समय का। कितना साल पुराना होगा ये मंदिर? ये तो अभी मुझे अच्छे से पता नहीं है, हाँ। बहुत साल पुराना है ये तो। जब गिरा था कमर यहाँ पे, यूँ ही जब गिरी थी तब से ये मंदिर बन गया। अच्छा, और ये देखोगे ये जितना भी माता का दरबार है, वो पूरा जितना भी मंदिर है उसमें मतलब ऐसे ऐसे आर्ट किए हुए हैं पूरे दीवार पे। ये चेक करो। और ये गणपति जी से आप वो सिक्का जो होता है ना, वो चिपका के अगर कुछ मन्नत मांगते हो तो वो पूरी होती है। ये यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एग्जैक्टली आप वो चिपका के मांगते हो सिक्का, तो आपकी मन्नत पूरी होती है। ये चेक करो आप, गेट नंबर दो, मेन गेट। हाँ, ये मेन गेट आप बोल सकते हैं। अच्छा, और सीधा दिखाई देता है माता जी पूरा सीधा दिखाई देंगे आपको। अच्छा, और ये अगर परिक्रमा करना होता है किसी को, हाँ, यहीं से परिक्रमा स्टार्ट हो जाता है। और इधर वो बलि चढ़ता है, गेट नंबर बलि चढ़ता है। अच्छा, गेट नंबर टू के एग्जैक्ट आगे। अच्छा, तो भैया जी चलो परिक्रमा स्टार्ट करते हैं हम लोग भी। हमारा भाई परिक्रमा स्टार्ट करते हैं, पूरे पाँच चक्कर मारने होते हैं। और ये देखो माता जी का जो मंदिर है ना, वहाँ पे भी एग्जैक्ट मतलब भगवान के पूरे ये चेक करो आप, पूरे बने हुए हैं। तो चलते हैं परिक्रमा स्टार्ट करते हैं दोनों भाई, पांच चक्कर एग्जैक्ट माता रानी का चलते हैं मारते हैं। फिर मिलता हूँ मैं आप लोगों को, और कुछ हिस्ट्री है वो भी बताता हूँ धीरे धीरे। चलो स्टार्ट करते हैं परिक्रमा। जय माता रानी। भैया जी यहाँ की एक और हिस्ट्री बोल लो या माता रानी का चमत्कार बोल लो, ये जो कबूतर सब आप लोग देख रहे हो ना, वो यहाँ अगर जब आपकी कोई इच्छा पूरी होती है या फिर आप कुछ मानती मतलब मान के या छोड़ते हो, हाँ, तो ये कबूतर यहीं रहेंगे मंदिर के आसपास। हाँ, या फिर बकरा हो, हाँ, वो भी मंदिर पे ही रहेगा, वो कभी बाहर ही नहीं जा, वो कभी बाहर जा ही नहीं सकेगा। अच्छा, मतलब माता रानी को जो भी चढ़ाया जाता है, हाँ, तो प्रसाद के तौर में। अच्छा, यहीं पर रहता है वो, कभी बाहर नहीं जाता। अच्छा, मतलब यहाँ इस मंदिर प्रांगण से बाहर नहीं जा सकता, नहीं। वो मतलब ऐसा हिस्ट्री है ना, जा ही नहीं पाएगा। हाँ, ऐसा भी कहा भी जाता है कि माता रानी जो किसी मतलब जिसका कोई नहीं होता उसका माता रानी होती है। एग्जैक्टली फिट बैठता। और यहाँ 100 ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ 102 या 112 दिया ना, 112 दिया जलाने पे कुछ आपकी इच्छाएँ पूरी होती है। ये चेक करें आप, अब हम बताते हैं अपनी बात। तो एग्जैक्टली मैं बताऊं तो मैं को यहाँ आकर के ना बहुत शांति मिलती, बहुत। मैं जब भी आसाम आता हूँ नानी घर, तो मैं यहाँ आना सबसे पहले समझता हूँ ज़रूरी कि नहीं भाई यहाँ आना है, और यहाँ मैं ज़रूर आता हूँ। और अभी इस साल इस भाई के साथ आए हैं, मौका मिला तो मैं नेक्स्ट टाइम सोचूंगा और आने का, और जो मांगा है भगवान से माता रानी बस पूरा हो जाए तो हम तो आएंगे ही आएंगे। और वैसे भी हर साल एक साल तो मैं शायद चक्कर मार ही देता हूँ यहाँ का।
और अभी फ़िलहाल यहाँ पे लाइन लगा हुआ है बहुत लंबा। ये चेक करो, ये मेन एंट्रेंस है यहाँ गेट नंबर 2, और अभी बहुत लंबा लाइन लगने वाला है, बहुत ना, फिर भी टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। इधर से और नीचे है ना, नीचे से डायरेक्ट ऐसे चक्कर लगा के फिर ऐसे करके आएगा, फिर अंदर घुसेगा। अच्छा, अच्छा गोल चक्कर टाइप का, आधा आधा कप बोल सकते हैं, आधा कप से यू चक्कर मार के फिर आके आप। नेक्स्ट टाइम हम लोग ट्राई करेंगे, क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है, फिर हम लोगों को निकलना है एक नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। और यहाँ का एक और चीज़ मैं बता दूँ, वो एग्जैक्टली 2 बजे मिलता है ना वो प्रसाद। हाँ, वो प्रसाद हाँ, एक यहाँ की प्रसाद है, अगर आप लोगों से पॉसिबल हो तो वो ज़रूर खा के जाना। वो ऐसा माना जाता है कि उस प्रसाद को आप खा के कुछ भी मांगते हो ना माता रानी से, तो आपकी इच्छाएँ पूरी होती है ना। वो कितना, 2 बजे मिलता है ना, 1 से 2 बजे, 1 से 2 बजे के आसपास, तो वो प्रसाद ज़रूर खाना आप लोग, और अपने भाई को याद करना। इस ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो, छोटा सा जो कमेंट है ना, छुटकू सा, वो कमेंट कर देना भाई के लिए, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, और फिलहाल अभी लेट हो रहा है, तो चलते हैं घर के तरफ और खाते हैं, और कुछ होगा तो नाश्ता हम लोग करते हैं नीचे, उसके बाद मिलता हूँ मैं आप लोगों को। चलो जी, मैं चेक कराता हूँ आप लोगों को यहाँ का व्यू पॉइंट, वो जो आप है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं काउंटिंग। ऐसे ही थोड़ी दिखा दें हम आप लोगों को, 1 2 3 ये चेक करें आप भाई साहब, इतनी ऊँचाई पर। ये प्रॉपर आप लोगों को ना वीडियो में पता नहीं चलेगा, ये देखो एग्जैक्ट ऐसा। और भाई आप सोच सकते हो, अभी भी सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी भी इतना धुंध है, समझ रहे हो। पहाड़ में मतलब ना, आप रेनी सीजन में अगर आते हो ना, तो भाई यही होता है, ये देखो गुड वाइब्स। क्या भाई प्रकाश, वही ना, कितना मतलब प्यारा लग रहा है, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है पूरा मस्त। और ये देखो, ऐसे भी ऐसा में ही ठंडा ही लगा है, यहाँ दिन को गर्म है तो रात को मस्त ठंडा है। दिन मस्त लग रहा है, ये चेक करो आप। लेकिन एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, जितने मैं आँख से मतलब फील नहीं कर सकता ना, वो आप वीडियो में फील नहीं कर सकते, तो प्लीज़ भैया आप आके एक बार व्यू को इन्जॉय करो, और प्लीज़ आना ज़रूर। जो जो मैं मतलब इस ब्लॉग से अगर रिलेटेड हो, समझ रहे हो, आना जाओ, ये चेक करो आप। फिलहाल अभी हम लोग फोटो वोटो क्लिक करते हैं और निकलते हैं थोड़े से आगे। ये जी असम आए और ब्रह्मपुत्र नदी का दर्शन ना किए तो भाई अधूरा ट्रिप है, ठीक है। तो चलते हैं, थोड़ा ब्रह्मपुत्र नदी का भी दर्शन कर लेते हैं। अभी पहुंच चुके हैं हम लोग लोकेशन पे, दिखाते हैं आप लोगों को ब्रह्मपुत्र नदी का। ये न्यू शिप है, अच्छा अभी इसमें पानी भरा था ना, हाँ वो देख रहे हैं 45.5 मीटर जो है, हाँ उसके ऊपर था पानी, मतलब पूरा यहाँ तक पानी आ गया, ये सब पूरा पानी के भीतर था। हाँ दिखाते हैं आप आगे कैमरा से, नहीं बैक कैमरा से देखो। चलो
तो भैया जी आज का जो ब्लॉग है हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और बढ़ते हैं घर की तरफ। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर ही देना, और ऐसे ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे जगह आप लोगों को घुमाते रहेंगे। और भाई का जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो मेरे इंस्टाग्राम से आप लोग जा करके देख सकते हो। और हाँ, मैं यूट्यूब पे बहुत कम ही अपडेट रहता हूँ, तो अभी इंस्टाग्राम पे मिलते हैं आप लोगों को। और प्यारे प्यारे जो अच्छे अच्छे रील्स हैं ना वो देखेंगे आप लोग, तो प्लीज़ आओ इंस्टाग्राम पे, और वहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट रहता हूँ, वहीं पे आप लोगों को सब कुछ पता चलेगा। चलते हैं घर की तरफ, बहुत गंदा थक गया हूँ, चलते हैं फिर। सुबह 4:30 बजे का उठा हम लोग। 4:30 बजे का चलते हैं फिर आगे, मिलते हैं।